कैंडिडेट हारते हैं, जीतते हैं और जीत हार चलती रहती है। एक सामने वो आया है कि एक तीखे बाण चल रहे हैं आपस में एक दूसरे के प्रति, और वो तीखे बाण अच्छे नहीं हैं। तो मेरी एक प्रार्थना है अपने गांव के समाज से, जो तीखे बाण चला रहे हैं उन्हें ना चलाएं और समाज बनाने के प्रयत्न करें। सरदारों, मेरी एक प्रार्थना है गांव जिला परिषद से और सरपंच महोदय से, जो आपने यहां तक हमें समय दिया है हम उसके बहुत आभारी हैं, कि आपकी जिला पार्षद, ब्लॉक सरपंच और मेंबर आपने बड़ी मेहनत के साथ चुनकर दिए हैं और सभी मिलकर के अवश्य निकालेंगे, उसकी एक कड़ी मैं भी हूँ। तो जो आपने प्यार दिया है, सारे गांव ने प्यार दिया है, चारों तरफ से प्यार मिला है और आपने सरपंच को जिताया है। सरपंच के हाथ में बहुत कुछ पावर होती है और ज़्यादातर पैसा भी सरपंच के माध्यम से ही आता है। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ और सरपंच से भी आग्रह करता हूँ कि जो विकास के कार्य हैं, जो अधूरे पड़े हैं अब तक, वो पूरे करें और पूरी टीम जिला पार्षद और ब्लॉक मेंबर, जिला पार्षद के हाथ में भी बहुत कुछ होता है, इनका ये अपना गांव है, इनसे भी हम प्रार्थना करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा गांव में ला करके और विकास कार्य में लगाएं। मेरी युवा पीढ़ी बहुत समझदार हो गई है, अब इन्होंने सारी बागडोर अपने हाथ में ली है, गांव की सभी युवा पीढ़ी चारों तरफ से। तो हम युवा पीढ़ी से भी प्रार्थना करते हैं कि मिलजुल कर सरपंच को, जिला पार्षद को, ब्लॉक मेंबर को साथ लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा मिलजुल कर काम कराएं, तभी विकास होगा। अकेला सरपंच भी कुछ नहीं कर पाता है, जिला पार्षद भी कुछ नहीं कर पाता है, और कहीं भी कोई शिकायत 1% भी हमारी तरफ से आएगी ना, सरपंच भाई भी अपना है, ब्लॉक समिति भी अपना, तीनों मिलकर गांव में समान विकास का काम करेंगे, कतई कोई दिक्कत ना आवे कैसी भी, बाहर की मैंने जानी पैसा लाने की और काम करवाने की इन्हें जानी। ठीक है जी, राम राम जी। मास्टर जी ने भी कही और हमारे वकील साहब ने भी कही, किसी किसी कैंडिडेट को इसने प्रायोरिटी से बनाया जाता तो किसी योग्यता से बनाया जाता और कुछ उम्मीद से बनाया जाता। अब रही बात, तुमने बनाया था कि एक तरफा तो जाइए वोट, हमारी तरह हमारा तो राइट ही ना बने दो इस करने का, किसी हमारे लिए तो सब एक समान है बिल्कुल, और अब भी हमको द्वेष करेंगे तो देख हम तो घटिया कोई ना। इसलिए आपसे बिल्कुल 100% आश्वासन देते हैं, तो इतनी तो आप पता ही, कोई अनजान तो है ना, सब गाँव के भाई हैं, कहीं तो बाहर भीतर तो रुपया दहली के विद भी ज़्यादातर रुपया देखो सरपंच के खाते में ही आए, वो हम भी अगर मदद करेंगे रुपया लेके आएंगे तो सरपंच के खाते में ही आएंगे, या को जिला परिषद को खाता अलग होगा, समझ गए ना। अगर गांव के लिए पैसा जिला परिषद आए तो या को बटेसा को मिले, वो हम भी जो हम पे पावर है, हम पे जो हमारे मंत्री नेता हैं उन पर जोर लगा के हम सरपंच के खाते में ही तो रुपया दिलवाएंगे। यूँ सरपंच से हमारी अनुरोध है, नया बच्चा है पढ़े लिखे हुआ है भैया, द्वेष न करके सबने तो वोट दी, हम भी सरपंच रह लिए, हमने कहीं बस्ती में कहीं द्वेष करे उसको बता दो, बिल्कुल सबको बराबर कह दी भैया, जैसा एक को कौम है वो सबको है, अब न्यू खींचतान करना तो बस्ती में बिल्कुल गलत है, आगे योग्यता के अनुसार देखो न्यू तो नौक में दोबारा चलो, पर न्यू जरूर याद तो रहे हुए फलाने सरपंच के टाइम में ये कौम हो जाएगा। तो भाई तुम बच्चा हो, तेरी शुरुआत है, अच्छे काम करो, निष्पक्ष काम करो ताकि बस्ती तुम तक खुश रहे, और भाई ब्लॉक समिति है यहाँ पे भी दो गांव में आके मजबूरी है, पर ज़्यादा ब्याज जोर लगाइयो, काल तुम असराम बात चल रही, मैं इनकी 20 साल से माल खारे दादा, आपके जोर पड़ गए एक बार हम पाए आगे समझ। तो भैया तू भी अपने हिसाब से काम करियो और भाई जो भी हिसाब किताब बने अपने ढंग से काम करियो,
और एक सबसे पहले मैं सरपंच साहब से गुजारिश करूंगा कि हमारे गांव की जो फिरनी है ना, सबसे पहले वहां पे ध्यान दो, बाकी काम के पूरा चार मतलब पूरा टाइम पड़े हो। सबसे पहले बाहर के जो रास्ता है ना, तू भी मैं भी और ब्लॉक समिति भी, तुम को विधायक न हो, रोज देखो, रोज देख रहे हो किचन में का अगवा तुम आज आए प्रोग्राम में। हां ना मतलब बता, गंदगी ने खत्म कर दो। यो सबड़ी बस्ती बैठी है, डॉक्टर सुन ले, सबड़ी बस्ती बैठी है, सरपंच जी के टाइम दे, ये सब गंदी लकाड़ी नो लकाड़ी खड़े हो गांव में। यार तुम अब तीन तीन चार चार पावर मिल गई और अब भी तुम पे तो गंद रहेगी, तो हमें तैयार नेतागिरी ठीक पसंद है। गलत कह रहा हूँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आश्वासन दिया। मेरी एक प्रार्थना हो रही जी, सभी कैंडिडेटों से, मारे हुए कैंडिडेटों से, जो वकील साहब ने कही नहीं भवन, जो हमारे पूरे जिले में इतना भवन और इतनी जगह कहीं भी ना हो, यहाँ में पूरा जोर लगा के इसकी मरम्मत और यहाँ की डेकोरेशन तो इतनी बढ़िया होनी चाहिए। गांव में एक जगह है एग्जाम बैठे हुए आदमी, हम कहीं अफसर है, कहीं अधिकारी है, आके बैठा दूँ तो वहाँ लगे कई जगह में बैठे। नीचे जो आप देख रहे हैं YouTube चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर प्रतिक्रिया दें और इस लिंक को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। वोकल फॉर लोकल के लिए हमें आपका इतना सहयोग आवश्यक है, ज़रूरी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। We'll be right back.